अब्दुल भाई ने मुझे एक शेर याद दिलाया था कि मेरे अहबाब मुझे लूट के निकले हैं अभी, मेरे दुश्मन तुझे इस बार भी ताखिर हुई। इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। आइए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मुशायरा बनाया जाए, और मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ उस शायर की हुजूर चलता हूँ जिसने इस मुशायरे का आगाज अपने नाते पाक से फरमाया था। यकीनन मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं, जनाब इमरान गोंडवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएं और अपने कलाम से नवाजें। मैं एक मतलब पढ़ूंगा सिर्फ अपने हरदिल अजीज, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उस मोहब्बत को इस मतलब में देख लीजिएगा। जी जी, कि तेरे वजूद को समझूं कहाँ मुकद्दर है, तेरे वजूद को समझूं कहाँ मुकद्दर है, तेरे वजूद को समझूं कहाँ मुकद्दर है, मैं एक सूखी नदी और तू समुंदर है। समुंदर है, कह दी बात, पूरी बात कह दी आपने। चार मिसरे पढ़ूंगा इरशाद, और उसके बाद में आप जिस तरीके से करीब होंगे मैं थोड़ा सा करीब हो गया। जी बिल्कुल, नहीं लूंगा। देखिएगा दोस्तों, उसी शेर दिल उसी शेर मर्द के हवाले से बताओ कि दूर सब अंधेरे हैं, वाह वाह वाह, हर तरफ उजाला है। क्या कहने, दूर सब अंधेरे हैं, हर तरफ उजाला है, दूर सब अंधेरे हैं, हर तरफ उजाला है, हमने अपनी मुट्ठी में आफताब पाला है, हमने अपनी मुट्ठी में आफताब पाला है, दूर सब अंधेरे हैं, हर तरफ उजाला है। क्या कहने, वाह वाह वाह, शायद भाई। और ये खुदा की रहमत है या खुलूस की बरकत, वाह वाह वाह, ये खुदा की रहमत है या खुलूस की बरकत, अरे झूठ पानी पानी है, सच का बोलबाला है, झूठ पानी पानी है, सच का बोलबाला है, हमने अपनी मुट्ठी में आफताब पाला है। दोस्तों बहुत अच्छा, क्या कहने इमरान साहब, और दादू तहसील से नवाजा, और चार मिसरे मैं पढ़ूंगा। जी जी जी, वहीं से शुरू कीजिए। देखिएगा हमारे नाज़िम मुशायरा बड़े हसीन नाज़िम हैं, और इनके हुक्म को टाला नहीं जा सकता। जी अता, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो। क्या कहने, सुने दोस्तों, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, जो भी है एहसान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, जो भी है एहसान हमारा लौटा दो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, ऐसा हिंदुस्तान हमारा लौटा दो, ऐसा हिंदुस्तान हमारा लौटा दो, ऐसा हिंदुस्तान हमारा लौटा दो। और चार मिसरे पढ़ूंगा दोस्तों, फिर उसके बाद चार मिसरे पढ़ के एक मतलब और शेर पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। जी जी,
हाँ वक्त कम है। फूलों की आरज़ू है तो कांटों पे चल के देख, फूलों की आरज़ू है तो कांटों पे चल के देख, कांटों पे चल के देख। फूलों की आरज़ू है तो कांटों पे चल के देख, कांटों पे चल के देख। सूरज में कितनी आग है घर से निकल के देख, घर से निकल के देख। सूरज में कितनी आग है घर से निकल के देख, घर से निकल के देख। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि फरेबे वफा काश खाए ना होते। शिरकत फरमाए दोस्तों इस मतले में कि फरेबे वफा काश खाए ना होते, फरेबे वफा काश खाए ना होते। तो मेरे कदम डगमगाए ना होते, तो मेरे कदम डगमगाए ना होते। फरेबे वफा काश खाए ना होते। और ये शेर मैं अपने नाज़िम मुशारा के हवाले से पेश कर रहा हूँ। जी जी। कि गुजरना था तुमको जो पर्दा बपर्दा। क्या बात है। गुजरना था तुमको जो पर्दा बपर्दा, गुजरना था तुमको जो पर्दा बपर्दा। तो मेरी नजर में समाए ना होते, तो मेरी नजर में समाए ना हो। फरेबे वफा काश खाए ना होते। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों। कि ना होती गुलों से मोहब्बत तो शायद, ना होती गुलों से, ना होती गुलों से मोहब्बत तो शायद। ये कांटे गले से लगाए ना होते, ये कांटे गले से लगाए ना होते। फरेबे वफा काश खाए ना होते। क्या कहने जनाब इमरान साहब।